नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में जिस तरह से दो चिट्ठियों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, आखिरकार क्यों ये दो चिट्ठियां भेजी गई और अगर ये चिट्ठियां भेजने वाला शख्स कोई सोनाली फोगाट का शुभचिंतक है तो फिर अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है, क्या है वजह जहां एक ओर सोनाली फोगाट का परिवार इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है, क्यों आखिरकार सीबीआई से ये चिट्ठियां छुपाई गई, ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है। वहीं दूसरी ओर जब ये चिट्ठियां सामने आई, जिस तरह से इन चिट्ठियों में भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया गया, काफी ज्यादा परेशान कर रही है ये चिट्ठियां हर किसी को। और इसी बीच जिस तरह से मात्र 24 घंटों के अंदर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई सोनाली के परिवार से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, आखिरकार क्या है ये सारी चीजें और ऐसे में सोनाली फोगाट का केस आखिरकार किस दिशा की ओर जा रहा है, ये कई ऐसे सवाल है जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है सीबीआई पर, क्योंकि सीबीआई यहां पर जब तक ये चिट्ठियां नहीं आई तब तक सीबीआई की ओर से कुछ नहीं बताया गया कि आखिरकार इन 25 दिनों में सोनाली फोगाट का केस कहां पहुंचा है। जी हां, आपको बता दें कि करीब 15 सितंबर से सीबीआई इस केस पर काम कर रही है। आज 10 अक्टूबर हो गया है, यानी कि मोटा मोटा अगर जोड़े तो 25 दिन से सीबीआई इस केस पर काम कर रही है। लेकिन आखिरकार इन 25 दिनों में सीबीआई इस केस में जांच कहां तक पहुंची है, इस पर अभी तक सीबीआई की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं अब इस केस में काफी चीजें उलझती जा रही हैं और लगातार सवाल बहुत है पर जवाब यहां पर एक भी सवाल का नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या सवाल उठ रहे हैं, लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे प्रोग्राम के इस खास प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लगातार दर्शक क्या सवाल पूछते हैं, आज उन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश मैं पूरी करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको आपके हर सवाल का जवाब दिया जा सके। तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल की कि आखिरकार सोनाली फोगाट के केस में इन दो चिट्ठियों का खेल क्या है, कहां से ये चिट्ठियां आई हैं, भेजने वाला कौन है और आखिरकार कौन से तीन बड़े खुलासे इन चिट्ठियों में हुए हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहली चीज, ये चिट्ठी यहाँ पर सोनाली फोगाट के परिवार के पास आई है। दो चिट्ठियां हैं, एक चिट्ठी करीब एक महीने पहले सोनाली फोगाट के ससुराल के ससुराल में, यानी कि उनकी जेठ और ससुर जहां रहते हैं उस घर में भेजी गई। चिट्ठी भेजने वाले ने ना तो नाम लिखा नीचे और ना ही अपना पता, तो यानी कि गुमनाम चिट्ठियां हैं। दूसरी चिट्ठी अभी कुछ दिन पहले ही आई है, यानी कि तो आपके पहला जो सवाल है उसका जवाब तो यही है कि चिट्ठी भेजने वाले ने अपनी पहचान छुपाई है। दूसरा सवाल कि आखिरकार इन चिट्ठियों में कौन से तीन बड़े खुलासे हैं, तो आपको बता दें कि जो इसमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान ने 10 करोड़ रुपए सोनाली फोगाट की जान लेने के लिए, ये सबसे बड़ा खुलासा और ये खुलासा हर किसी को हैरान कर रहा है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा खुलासा कि इसमें जिस शख्स ने ये दावा किया है कि 10 करोड़ रुपए लिए, उसने ये दावा किया है कि इस पूरी साजिश में बीजेपी का हाथ है। चिट्ठी जो सामने आई है उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो तीसरा सबसे बड़ा खुलासा इस शख्स ने किया वो ये कि बीजेपी पार्टी से तीन कोई बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सोनाली फोगाट की जान लेने की कोशिश की, या यूं कहें कि कामयाब भी हो गए। तो ये तीन जो बड़े खुलासे इन चिट्ठियों से हुए हैं, जिसके बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये चिट्ठी भेजने वाला सोनाली फोगाट के केस में इतनी गहरी बातें कैसे जानता है और अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है। इस सवाल का जवाब ये है कि इस चिट्ठी में अंत में इस गुमनाम शख्स ने लिखा कि वो सोनाली फोगाट का शुभ चिंतक है, उसे सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट की इतनी ज्यादा चिंता है कि वो अपने आप को ये सच्चाई बताने से रोक नहीं पाया। ये शख्स चिट्ठी में आगे ये भी लिखता है कि मुझे ये सब बातें मेरे किसी करीबी एक नेता ने शराब के नशे में बताई है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, यानी कि इस केस में और भी कई लोग शामिल हैं, क्योंकि अगर इस गुमनाम शख्स को किसी नेता ने शराब के नशे में ये बात बताई है तो साफ तौर पर इस केस में कई और लोग जुड़े हैं।
तो यहाँ पर ये जो था ये चिट्ठियों का खुलासा था। अब अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई की, आपको बता दें कि शुरुआती दौर से ही इस केस में कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है, परिवार लगातार कुलदीप बिश्नोई का नाम लेता हुआ नजर आया। यहां तक कि जिस दिन सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा निकाली गई, उस दिन अंतिम यात्रा के वक्त मीडिया से बातचीत करते हुए सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने ये साफ तौर पर कहा कि इस केस में कुलदीप बिश्नोई का हाथ है। हालांकि अंतिम यात्रा के बाद अंतिम दर्शन के लिए कुलदीप बिश्नोई सोनाली के घर पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर सोनाली को श्रद्धांजलि दी, परिवार से मुलाकात करते हुए वो नजर आए, और इसके बाद जब वो यहाँ पर अंतिम दर्शन करके लौट रहे थे तो मीडिया से बातचीत करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने यही कहा कि ये एक क्रिमिनल केस है, यानी कि ये एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है और इसमें उनका नाम न्याय लिया जाए। इसके साथ कुलदीप बिश्नोई ने ये भी कहा कि मेरे और सोनाली के रिश्ते बहुत पहले ठीक हो चुके थे। हालांकि यहाँ पर एक चीज गलत है, क्योंकि सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई की जो पहली मुलाकात हुई, या यूं कहें कि आखिरी मुलाकात ही बन गई, वो थी 18 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई के घर पर सोनाली फोगाट अपने पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान के साथ पहुंचती हैं। वहां पर मुलाकात करीब 2 घंटे की होती है। इसके बाद सोनाली और यहां पर कुलदीप ये फैसला लेते हैं कि अपने राजनीतिक मतभेदों को भूलकर बीजेपी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए वो एक मीटिंग भी करने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही सोनाली गोवा चली गई और गोवा के बाद क्या कुछ हुआ वो हम सभी ने देखा। तो यानी कि यहाँ पर सवाल ये है, लेकिन अब जिस तरह से 24 सितंबर को परिवार यहाँ पर सर्व जाट धर्मशाला जो हिसार में है वहां पर खाप पंचायत करता है, अचानक से वहां पर बात आ जाती है सोनाली की राजनीतिक विरासत की। जो सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक, सबसे ज्यादा सगी माने जाने वाली अपनी मौसी रुकेश पुनिया को सौंपने का फैसला करती है। जब ये फैसला सुनाया जाता है तो हर कोई यहाँ पर चौंक जाता है, क्योंकि ये पंचायत तो सोनाली की बेटी ने अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए रखी थी। यहाँ पर सीबीआई से ये सवाल होना था कि आखिरकार 12 दिनों की छानबीन में सीबीआई सोनाली के केस को कितना सॉल्व कर पाए। लेकिन इस यहाँ पर बात करेंगे इस पंचायत में तो यहाँ पर राजनीतिक विरासत की बात होती है। अब इसके बाद ही इसी पंचायत में परिवार ने साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई पर हमला किया। परिवार ने ये साफ लफ्जों में कहा कि सुधीर सांगवान के साथ मिलकर कुलदीप बिश्नोई ने ही सोनाली की जान ली है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के परिवार इतनी बड़ी बात कह जाता है। ये तो रही ये बात। अब यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई उससे अगले ही दिन सोनाली फोगाट के ससुराल पहुंच जाते हैं और मुलाकात करते हैं। इसके बाद जिस तरह से आदमपुर सीट पर नामांकन प्रक्रिया का घोषणा हो जाती है, ये तारीख आ जाती है कि आखिरकार किस दिन नामांकन की आखिरी तारीख है और कब वोटिंग होनी है। इसके बाद परिवार अचानक से 2 चिट्ठियों का खुलासा करता है और ये खुलासा करता है कि बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ेगी रुकेश पुनिया। अब जैसे ही इन 2 चिट्ठियों का जिक्र होता है, कुलदीप बिश्नोई तुरंत पहुंच जाते हैं सोनाली फोगाट के परिवार, यानी कि सोनाली की बेटी यशोधरा, सोनाली के भाई रिंकू और वतन, और उनकी यहां पर सोनाली की बहन रुकेश पुनिया और अमन पुनिया से मुलाकात करने। जिसके बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है सोनाली फोगाट के केस में। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई अब इन चिट्ठियों के बाद अपनी जांच के एंगल को बदल रही है, जांच की रफ्तार बढ़ा रही है। सबसे पहले सोनाली के परिवार से पूछताछ हुई और माना यह जा रहा है कि अब कुलदीप बिश्नोई और सुधीर सांगवान से पूछताछ भी जल्द होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर 10 करोड़ रुपए लेने वाली बात और यहाँ पर बीजेपी पार्टी के नेताओं का नाम लिया गया है, इनमें सच्चाई अगर होती है तो आखिरकार अब इस केस में अगला कदम क्या होगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।